गुड मॉर्निंग दोस्तों, गोल्डन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम 17 जुलाई 2018 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज वो हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है वो आपको मिल सके। और दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और दोस्तों, जो हमारा लास्ट वीडियो थी उसका जो क्विज है वो है, हाल ही में कौन विश्व ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीतने वाली भारतीय की पहली एथलीट बन गई है। जो हिमा दास है उन्हीं ने ये इवेंट जीता है। और दोस्तों, इन्होंने 400 मीटर की दौड़ थी जो वो के मात्र जो 51.46 सेकेंड में कंप्लीट कर ली है। और ये भारत जो भारत की पहली ऐसी एथलीट है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विश्व ट्रैक इवेंट में। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो करते हैं, किस राज्य के द्वारा आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ इंग्लिश नामक अभियान की शुरुआत की गई है। जो हरियाणा राज्य है उसी के द्वारा आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ इंग्लिश की शुरुआत की गई है। जो यहाँ का शिक्षा विभाग है उन्हीं ने उस उन्होंने ही जो ये अभियान की शुरुआत की है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। जो हरियाणा है उसमें जो इंग्लिश है, इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा लोग डरते हैं, वे इसको पढ़ने से कतराते हैं। इसलिए ही जो यहाँ की जो शिक्षा विभाग उन्होंने ये अभियान शुरू किया है। और जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं वो है रामविलास शर्मा, और जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर, और जो राज्यपाल है वो है कप्तान सिंह सोलंकी। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आई मंडी नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। जो इफको है जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, इन्हीं के द्वारा जो इस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। जो इफको का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली, और दोस्तों इसकी स्थापना 1967 को हुई थी। और जो ये दोस्तों आई मंडी है जो इसका निर्माण, इस ऐप का उद्देश्य है ताकि जो किसान भाई है वो जो ऑनलाइन अपना सब कुछ कर सके। और जो इफको है ये सहकारिता के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक समिति है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न थाईलैंड ओपन 2018 में किस भारतीय खिलाड़ी को पराजित कर जापान की नोजोमी ओकुहारा ने जो खिताब अपने नाम किया है। जो पीवी सिंधु है उन्हीं को हराकर जो इन्होंने अपन ये खिताब हासिल किया है। जो थाईलैंड ओपन 2018 है जो इनकी शुरुआत 1984 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो संगीत अकादमी ने इस वर्ष के काल निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। जो अरुणा साई राम है उन्हीं को ये संगीत अकादमी ने जो काल निधि पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, यह दुनिया की सबसे तेज जो एंटी शिप मिसाइल है, ये भी दोस्तों ठीक है। इसका निर्माण DRDO रूस के द्वारा किया गया था, ये भी ठीक है दोस्तों। इसकी क्षमता 290 किलोमीटर तक की है दोस्तों, ये भी ठीक है। जो दोस्तों ये कम दूरी की मिसाइल है दोस्तों, लेकिन इसकी जो जो गति है वो बहुत ही फास्ट है, जो बहुत फास्ट है दोस्तों। और आखिरी ऑप्शन है, ये तीनों सही है, ये आंसर इसका ठीक है। जो यहाँ की रक्षा मंत्री है दोस्तों भारत की, उसके वो है निर्मला सीता रमण, जो एक महिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के द्वारा जो सुलभ जल नामक दुनिया की सबसे सस्ती जल पे जो परियोजना की शुरुआत की गई है। जो बिहार राज्य है उसी के द्वारा सबसे सस्ती जो पेयजल परियोजना शुरुआत की गई है दोस्तों। और जो यहाँ के जो एक ऐप है दोस्तों,
एक जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है, जो ब्रिंदेश और पाठक है, इन्हीं के द्वारा जो ये परियोजना ये शुरू की गई है, जिसके अंदर दोस्तों 50 पैसे, मात्र 50 पैसे में दोस्तों 1 लीटर पानी मुहैया कराया जाएगा, जो कि पीने योग्य होगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त में आयोजित शांति मिशन अभियान में भारत पाकिस्तान पहली बार एक साथ आतंक विरोधी अभियान का हिस्सा बनेंगे, जिसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन दोस्तों रूस में होगा। ये भारत आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा कि भारत और पाकिस्तान जो एक शांति मिशन अभियान पे जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों जो इसका आयोजन है वो SCO द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोराइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी के द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। जो जो SCO के सदस्य देश है वो इसमें शामिल है, जिनकी टोटल संख्या 8 है, जो दोस्तों जिनके नाम है कजाकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन। ये इनके दोस्तों जो जो देश शामिल है ये है। और दोस्तों SCO है, इसकी जो स्थापना है वो अप्रैल 1996 में की गई थी। और जो ये देश जितने भी है इनका गठन दोस्तों जून 2001 को हुआ था। और दोस्तों जो इसका हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चीन में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हरियाणा के गवर्नर को किस राज्य का आंतरिक कार्यभार सौंपा गया है? जो हरियाणा के जो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, उसी को जो हरियाणा के गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी जी, उन जो उनको जो अरुणाचल ना हिमाचल प्रदेश का जो कार्यभार सौंपा गया है। जो यहाँ के जो पहले राज्यपाल थे वो थे आचार्य देवव्रत, उन्हीं की जगह जो हरियाणा के राज्यपाल है इनको कार्यभार सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 4 सदस्य जो नामांकित किए गए हैं, जिसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इन्हें अनुच्छेद 80 के तहत नियुक्त किया जाता है। ये भी सही है दोस्तों, 80 के तहत ही राज्यसभा के सदस्यों का गठन किया जाता है। और दोस्तों बी ऑप्शन है, जिसमें राम सकल, रमेश सिन्हा और रघुनाथ महोपात्र और जो सोनल मान सिंह है इनको शामिल किया गया है। यह प्रधानमंत्री की सलाह पर चुने जाते हैं। ये भी सही है, इस ये ऊपर ले तीनों सही है। और दोस्तों जो राज्यसभा है उनके टोटल सदस्य होते हैं 245, जिनमें से दोस्तों 233 हैं वो होते हैं दोस्तों जो राज्य में और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे चुन के आते हैं। और जो 12 सदस्य है दोस्तों वो हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MN व्यास राव जिनका निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? यह दोस्तों कन्नड़ के बहुत ही प्रख्यात कवि थे, जिनका नाम MN व्यास, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न जो सोबिया युवा मुक्केबाजी के 36वें गोल्डन गोलो जो टूर्नामेंट में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों इसमें के कुल 17 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड और 6 रजत, और दोस्तों जो 4 हैं वो कांस्य के पदक जीते हैं। और दोस्तों दूसरे नंबर पर जो रूस था उन्होंने 11 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 जुलाई को जो ब्राजील में संपन्न 7वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप भारत भारत को कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने दोस्तों कुल 9 पदक जीते हैं, जिनमें 4 रजत प्लस 5 कांस्य है। अगला क्वेश्चन है, जो आज की जो क्विज है दोस्तों उसका जो आप आंसर है वो हमें कमेंट करके दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा प्रारंभ की गई है?
जो दोस्तों ए ऑप्शन है, एयरटेल, बी जियो, सी BSNL या डी वोडाफोन। इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट करके दीजिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारे चैनल और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है वो आपको मिल सके, और दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दोस्तों।